अपनी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैंने कहा एक दिन जब गाड़ी लूंगा तो पापा को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूंगा। अरे बाबा, अभी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हम लोग घर पे उनके लिए एक फॉर्च्यूनर लेकर के जा रहे हैं। Hey guys, good morning, welcome back to the new episode, guys. इतने दिन बाद व्लॉग, I know, थोड़ा सा काम चल ही रहा है, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि काम चल रहा है गाइज, एंड इतने दिन से मैं काम में बिजी हो रखा था। फिलहाल के लिए गाइज आज वाला व्लॉग इज गोना बी स्पेशल, क्योंकि गाइज कुछ महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले हमारी बात चल रही थी फॉर्च्यूनर लेने के लिए। मैं लोगों से पूछ रहा था कि मुझे एक प्राइम SUV चाहिए, एंड जब भी मैं कोई नई गाड़ी खरीदता हूँ किसी भी पर्पज के लिए तो लोग मुझे ना हमेशा सजेस्ट करते थे कि बाबू भैया ये वाली गाड़ी नहीं। एंड इंस्टाग्राम पे एक नॉर्मल सा स्टोरी डाला कि बताओ कौन सी गाड़ी ली जाए, तो 90% लोगों के मैसेज थे बाबू भैया फॉर्च्यूनर, और उस 90% में से 99% लोगों के मैसेजेस थे कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर ही लेकर के आना। द थिंग इज देहरादून का जो टोयोटा का शोरूम था ना, वहां पर लेजेंडर अवेलेबल थी नहीं, फॉर्च्यूनर मिल रही थी जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है, लेजेंडर बिग बॉस के जाने से टाइम से पहले अवेलेबल थी वहां पर, बट फिर अवेलेबल नहीं हो रही थी, बाहर से मिल रही थी, यू नो दिल्ली हरियाणा इन सब जगह मिल रही थी, बट फिर मैं अपनी लोकल डीलरशिप से ही खरीदता हूँ अपनी मेन गाड़ियाँ जो यहाँ पर अवेलेबल रहती है, तो मैंने सोचा कि यार यहीं से खरीदेंगे। जब उनके पास वो अवेलेबल हुई गई तब तक मैं जा चुका था शो के अंदर, एंड बाहर आने के बाद मेरे को टाइम नहीं लगा, फिर जब मेरे को टाइम लगा तब तक जो गाड़ी मेरी अवेलेबल हुई तब वो उन्होंने किसी और कस्टमर को दे दी। बट फाइनली गाइज टुडे द थिंग इज हैपनिंग, हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर इज हेयर। मैं हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मुकाम पर जितनी भी चीजें अचीव करी है वो हम सब लोगों ने साथ मिलकर के अचीव करी है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी, हाथ जोड़ करके माफी, व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे DM थे, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि बाबू भैया व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। जो मैं काम पीछे कर रहा हूँ ना वो मैं भी इंटरनेट पे नहीं दिखा सकता कि क्या काम चल रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइज जिस दिन ये पूरा वीडियो सबके सामने आएगा पीपल विल गो हैप्पी कि बाबू भैया हाँ ये जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे थे, जिस दिन भी ये स्नीक पीक आएगी कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, यू विल बी हैप्पी। बट फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं इंटरनेट पे बिल्कुल नहीं दिखा सकता था, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी लीक आउट हो, सॉरी व्लॉग्स नहीं डाल पाया, बट हाँ व्लॉग्स आते रहेंगे, जब जब मेरे को टाइम लगेगा आई विल बी पोस्टिंग गाइज। फिलहाल गाइज कमिंग बैक टू द व्लॉग, द थिंग इज हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर इज हेयर गाइज, एंड द थिंग इज आज हमारी डिलीवरी है, हम लोग जा रहे हैं शोरूम में डिलीवरी लेने के लिए, बट देर इज अ स्मॉल सरप्राइज इन दिस। आप लोगों को पता है मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर GR बुक कराई थी, बट ये जो फॉर्च्यूनर है ये लेजेंडर आई है, एंड ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा से था कि अपने पिताजी के लिए एक गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि कुछ टाइम से ना पापा मेरे को बोल रहे थे कि मुझे थार दे दे। मैंने कहा पापा थार फिर भी ठीक है, बट एक सपना होता है एक बेटे का कि वो अपने पिताजी को वो गाड़ी गिफ्ट करे जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे, तो मैंने डिसाइड करा कि एक गाड़ी घर वालों के लिए भी कुछ अच्छी सी ले ली जाए। मुझे पता है गाइज पापा ने फॉर्च्यूनर इतनी चलानी है नहीं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहली गाड़ी दिलाई थी घर वालों को किया सोनेट, एंड वो सोनेट घर वालों की ना बेसिक प्राइमरी गाड़ी है, वही गाड़ी है जो घर वाले चलाते हैं, उस पर घूमते हैं, मम्मी पापा ना उसी में खुश रहते हैं, हमारे माँ बापों को ना ऐसे प्रीमियम चीज़ों की आदतें नहीं रहती हैं, उनको वो गाड़ी है जिसपे बैंकर 25-30 का एवरेज आ रहा हो। पापा मेरे को बोलते हैं कि किया सोनेट आराम से 20-25 का एवरेज दे रही है। एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी कि फॉर्च्यूनर का एवरेज क्या है, मैंने बताया पापा को, मैंने कहा पापा फॉर्च्यूनर का एवरेज है 10-12 कह रहा हूँ, तो पापा ने कहा बेटा इतनी महंगी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, एंड मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैंने कहा एक दिन जब गाड़ी लूंगा तो पापा को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूंगा, एंड जी हाँ गाइस ये जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ रही है आई एम गिफ्टिंग दिस टू माई डैड, ये वाली गाड़ी मैं पापा को ही गिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है पापा ने चलानी नहीं थी, चलानी मैंने और कलम इंक नहीं है, बट फिर भी गाइज वो चलाएं ना चलाएं मेरा फ़र्ज़ है उन्हें सरप्राइज़ देने का, एंड मैं आपको बता देता हूँ अभी किसी को भी नहीं पता है कि ये बॉम्ब हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ये पहला व्लॉग है जिसमें पहला बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं, अभी तो मैक्लेरेन 720S की कहानी अलग है, प्लस सुपरा भी दिल्ली में खड़ी है, सुपरा भी लेकर के आनी है, बट फिलहाल के लिए इस व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं कि मैं फॉर्च्यूनर की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। मेरे को कहता है कि मैं शोरूम में एक सिंपल सी डिलीवरी लूँगा, डिलीवरी लेने के बाद मैं वो फॉर्च्यूनर लेकर के जाऊँगा घर और पापा को स्पेशल सरप्राइज करूँगा कि पापा मम्मी ये गाड़ी आपके लिए, और उनके रिएक्शन देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या रिएक्शन होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ से हम लोग जाएंगे बैंक गाइस, क्योंकि बैंक में पेमेंट करानी है, मोटा मोटा 57 लाख के आसपास, 60 लाख के आसपास विद ऑल एसेसरीज इज गोना कॉस्ट अस। हाँ थोड़ी महंगा सौदा है, बट अपने माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं है।
फिलहाल अभी यहाँ से जाएंगे बैंक गाइस, पेमेंट कराएंगे, तो हाइलक्स उठाते हैं और स्टार्ट करके बताते हैं आपको आगे की कहानी। ओके जी, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, चेक दिस आउट गाइस, आज हाइलक्स इतनी सुंदर नीटवर V2 के कारण हुई है, सबसे ज्यादा खुश अकेले ने, ये तो वैसे नूडल वहां पाइप पकड़ कर भाई ये दोनों लॉन्डे इतने एक्साइटेड हो रखे ना कि भाई फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर नीटू फाइनली लेजेंडर इज कमिंग। बीस लाख रुपए नीटू पे कर रहा है अगले 10 साल की सैलरी में से। फिलहाल के लिए यहाँ से निकल रहे हैं एंड थिंग इज गाइस आज हम लोग अपनी हाइलक्स ना शोरूम में दे देंगे बिकॉज गाइस इसका जो ये वाला फुट रेस्ट है ना उधर से वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, किसी ने तोड़ दिया था वो चढ़ते हुए, तो फिर उसको भी ठीक कराना है। बट आज फॉर्च्यूनर के लिए सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज पता है आप लोगों को, कोई से भी गाड़ी ले लो फॉर्च्यूनर का जो टोरा है ना भाई वो फॉर्च्यूनर का टोरा है। फॉर्च्यूनर का टोरा मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड इतने टाइम से बोल रहे थे फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर, फाइनली गाइज आज फॉर्च्यूनर की डिलीवरी। शायद आपको पिक करना है अभी क्योंकि हमारे करता धरता वही है गाइज, वो उसके साथ अभी बैंक जाएंगे, बैंक में पेमेंट कराएंगे और फिर चलेंगे हम लोग शोरूम फॉर्च्यूनर की डिलीवरी लेने के लिए। द थिंग इज गाइज मैंने ना इस बारी घर पे सरप्राइज प्रिपेयर करा है घर वालों के लिए, पटाखे ले लिए नीटू बिटू रास्ते में ले लेंगे, मेरे को लगा सुबह लेकर के आ चुके होंगे, बट अभी हम लोग ना पटाखे पटाखे भी लेने जाएंगे मस्त घर में ना एकदम शोशेबाजी रखेंगे। चलते हैं फिलहाल पहले शराब को पिक करते हैं, पेमेंट करवाते हैं गाड़ी की, फिर चलेंगे शोरूम, लेट्स गो गाइस। हम लोग निकले थे और ये चेक करो टोयोटा का शोरूम, अभी यहाँ पर हमें घूम करके वापस आने गाइस। वो सीट बेल्ट नहीं लगा रखे, पकड़ना एक सेकंड यार, सो सॉरी मैं ना सीट बेल्ट लगाना भूल गया था, एक्साइटमेंट इतनी हो रखी है आज गाड़ी लेने की। मैंने इतनी गाड़ियां लिया बट फॉर्च्यूनर लेजेंडर इज लाइक मतलब खुद से ही एक्साइटमेंट हो रही है भाई, क्योंकि फॉर्च्यूनर इज वन ऑफ दोज व्हीकल जो रेपुटेशन देती है, ये सच्चाई है। और कोई गाड़ी लेकर के घूमोगे ना ठीक है लोग इज्जत देंगे बट फॉर्च्यूनर की इज्जत अलग इज्जत है गाइस, फुल इज्जत वाले सीन्स। एंड जब वो मॉम डैड चला रहे होंगे मुझे बस वो खुशी देखनी है उनके चेहरे पे। फिलहाल गाइस मैंने शराब को कॉल कर दिया, वो एकदम रेडी है, फट 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 चलते हैं और मिलते हैं उससे। ओके जी पहुंच चुके थे हम लोग शराब के पास और ये चेक करो हो गया मालिक बैंक का काम, सब हो चुका है, सब क्लियर है, अभी फॉर्च्यून लेने जा रहे हैं गाइस। अभी जस्ट बैंक आए थे, ये रहा बैंक और शराब ने सारा काम निपटा दिया, बस सारे काम हो चुके गाइस, शराब को भी पिक कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से टोयोटा के शोरूम। I'm really happy. क्या बोल रहे हो इसके बाद फॉर्च्यून भाई कब से लगे हुए थे हम लोग फॉर्च्यूनर के लिए लिटरली एक महीने से ऊपर हो गया लगभग, एक महीने से काम आई बिग बॉस के पहले के टाइम से पहले से हाँ पहले उस टाइम भी लगे हुए थे लेकिन वो मिली नहीं जो चाहिए जो चीज चाहिए। एंड अभी तो पापा मम्मी को पता ही नहीं कि उनके लिए फॉर्च्यूनर आ रही है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है एक्चुअली में गाइस घर वालों के लिए, घर वालों के रिएक्शंस देखने के लिए होंगे, किसी को नहीं पता हमारे पूरे ग्रुप में, अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग। हमने पहली बारी कोई डिलीवरी इतनी छुपके ले रहे ना सर, पहली डिलीवरी है जो इतने छुपके ले रहे क्योंकि अगर हम लॉग व्लॉग करते तो घर वालों को पता लग ही जाता कि हम लोग शोरूम जा करके सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके एक बारी था, मैं एक बारी घर वालों को सरप्राइज दे दूं उसके बाद ये सब कुछ व्लॉग में रिवील करूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं शोरूम गाइस और चेक कराते हैं आपको अपनी नई गाड़ी। हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके अपने टोयोटा के शोरूम एंड द थिंग इज संदीप जी सर, आपने इन्हें बहुत साल पहले देखा होगा, कब हमने कब कनेक्ट करे थे संदीप जी हाइलक्स, 2 साल पहले 1 साल पहले 1.5 साल पहले हाइलक्स को लिए हुए 1.5 साल हो गया। एंड मैं आपको बताता हूँ मेरे को फॉर्च्यूनर के लिए अलग अलग शोरूम से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर थे बट जो सर्विसेज देहरादून के शोरूम के वो एक्चुअली में बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को पता है रात के 2 बजे भी यहाँ फोन करूंगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ हम लोग लेजेंडर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो GRB थी ना वो भी अब व्हाइट में ही आ रही है, ब्लैक में नहीं मिल रही है GR, मतलब कंपनी ने बना रही अभी कंपनी से नहीं मिल रही है ब्लैक में, प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ आपको व्हाइट ही ऑफर होगी जो होगी, इसीलिए मैंने आपको लेजेंडर के लिए बोला था। थोड़े सा पहले होता ना तो हम लोग लेजेंडर कब के लिए चुके होते हैं, बट द थिंग इज GRB अब ब्लैक में नहीं आ रही है और कितना वेटिंग है GR के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ मिनिमम आपको। इतना लेट क्यों है, मतलब डिमांड की वजह से? हाँ थोड़ा सा डिमांड का वो रहता है इसी वजह से, और रनिंग प्रोडक्ट बेसिकली लेजेंडर वगैरह रहता है और नॉर्मल फॉर्च्यूनर तो वो इसीलिए टाइमली मिल जाती है। बट थैंक यू सो मच संदीप जी, डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने पूरा कर लिया गाइस, मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि नंबर लीक हो जाएगा। एंड द थिंग इज ये चेक करो हमारी गाड़ी, हमारी फॉर्च्यूनर इज स्टैंडिंग, मैं हमारी गलत बोल रहा हूँ मम्मी पापा की, फॉर्च्यूनर इज देयर गाइस। फटाफट चलते हैं डिलीवरी लेते हैं और कुछ लड़कों को पता नहीं कैसे लग गया बाहर, मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, इंस्टा स्टोरी डालो, लड़कों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है गाइस, दिख नहीं रहा होगा से बाहर बट
दो तीन लोग खड़े पता नहीं कहाँ से, बोले भैया मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, बोले भैया मैं पता था आपकी डिलीवरी आज गाड़ी की, तो हम आ गए, फिलहाल सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं नीचे एंड लेट्स टेक द डिलीवरी। ओके जी, फाइनली गाइस, फाइनली ये चेक करो, वी हैव द लेजेंडर हियर एंड द थिंग इज रियली एक्साइटेड टू हैव दिस कलेक्शन। भाई सपना पूरा हो रहा है नॉर्मल लड़के का। आई रियली वॉन्टेड टू बाय अ फॉर्च्यूनर सिंस अ लॉन्ग टाइम बट फाइनली वी आर गेटिंग दिस। खुशी को दिन, खुशी को दिन। और ये चेक करो यार कितनी क्या मस्त, मतलब देख रहे हो बैंकर कितनी बड़ी बीस्ट दिख रही है पहले से ही। ये चेक करो लाइक यू नो मेरी हाइट से भी ऊपर है गाइस। हाइलेक्स इससे थोड़ी सी छोटी है बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरेटिवली हाइलेक्स से ऊपर है। हाँ पावर में हाइलेक्स इज कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग बट फिलहाल के लिए केक काटते गाइस। ओके जी, फाइनली द केक सेरेमनी इज हियर एंड चेक दिस आउट। ये वो वाली फोटो है जो हम लोगों ने करीबन एक साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लेजेंडर लेंगे एंड वही संदीप जी ने करवाई है। थैंक यू संदीप जी। आपको पता है गाड़ियाँ कहाँ से लेनी है क्योंकि गाड़ियाँ तो आप कहीं से भी ले लोगे बट आफ्टर सर्विसेज मैटर एंड फॉर दैट यू कैन रिलाई ऑन टोयोटा देहरादून। इनकी देहरादून भी नहीं बोलूँगा, कहाँ पर, ट्रस्ट टोयोटा गाइस। एक्चुअली मैं मियाँ वाला के पास इनका शोरूम है, यू कैन कम देयर। संदीप जी आपको मिलेंगे, बाकी स्टाफ बहुत सारे लोगों को आपने पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा, दे हैव बीन हियर एंड एंटरटेनिंग अस। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत अच्छी फोटो आ रखी है। अब ये एक्चुअली में इसी के डिलीवर, यही वाली गाड़ी है ना संदीप जी? यस सेम। Finally, ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अभी एक्चुअली मॉम डैड को बिल्कुल नहीं पता है कि फॉर्च्यूनर इज कमिंग फॉर देम, इसीलिए हम लोगों ने ना इतना ज्यादा पंप अप नहीं रखा डिलीवरी सीन्स पे। मेरे को बस यहाँ से अनलिवील करनी है एंड इसके बाद में सीधा गाड़ी लेकर के जाऊंगा घर, वो बड़ा सरप्राइज होगा, वहां पर धमाकेदार सीन्स होंगे एंड दिस इज गोना बी अ रिवीलिंग फॉर यू। यू नो हम लोग कितने टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को लेजेंडर लेनी है एंड द मोमेंट इज हियर, सो 3-1 पे रिवील करते हैं। आई नो बहुत टाइम से हम लोग बहुत गाड़ियाँ रिवील कर चुके हैं बट ये वाली रिवीलिंग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज दिस इज गोना बी फॉर माई मॉम एंड डैड। सो फाइनली गाइज द मोमेंट इज हियर, लेट्स वेलकम आवर न्यू कार टू आवर फैमिली। लेट्स गो गाइज, 3-1 लेट्स गो। कब से हम लोग प्लान कर रहे थे एंड फाइनली आवर फॉर्च्यूनर लेजेंडर इज देयर गाइस। मैं आपको बताता हूँ एक एक्साइटमेंट है ना, पर्दा पीछे पे एक ना था बट मैं आगे लेकर के आ गया बट आई एम रियली हैप्पी कि दैट वी गॉट इट। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं दिस इज फॉर आर डैड। आई नो वो नहीं चलाने वाले बट उनकी ये ड्रीम कार थी, सो आई विल बी गिफ्टिंग हिम। असली सेलिब्रेशन इज गोना बी एट होम। अभी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हम लोग घर पे उनके लिए एक फॉर्चुनर लेकर के जा रहे हैं। मॉम डैड अभी घर पे आराम से पानी सींच रहे होंगे, पौधों को पानी दिला रहे होंगे। कैसी लग रही है जरा आप? एक नंबर। शताब के रिएक्शन बहुत क्रेजी रहते हैं हमेशा। ये चेक करो गाइस, वी हैव बॉट दिस। इसी कार के साथ मैंने 1.5 साल पहले एक फोटो करवाई थी। आई नेवर थॉट कि हम लोग वही वाली गाड़ी लेंगे एंड कुछ एक्सेसरीज भी हम लोगों ने अपग्रेड कराई हैं। आई नो फॉर्चुनर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपग्रेड कराने के लिए, बट फिलहाल के लिए जो चीज़ें अपग्रेड हुई हैं वो मैट्स एंड रेन वाइजर्स। भाई क्या क्रेजी लग रही है अंदर से ऑलमोस्ट इसका और हाइलेक्स का सेटअप सेम ही है ऑलमोस्ट। बट पावर के सारे पैसे और एक चीज़ के पैसे और भी हैं। कहाँ पर? एक चीज़ के पैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करो गाइस, इसके पैसे। वी बॉट दिस गाइस, इतनी खुशी लग रही है ना। अभी असली सरप्राइज मॉम डैड को देने के लिए, मुझे पता है वो लोग तो उन्हें तो पता भी नहीं है सारी चीज़ें हो रही है। अब इस कहानी के ना दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो मेरे घर वाले बोलेंगे वाह वाह शाबाशी देंगे, या तो मेरे घर वाले मेरे को बहुत गाली देने वाले कि तू एक और गाड़ी लेकर के आ गया। मैंने गाड़ी तो ले ली विदाउट किसी को बताए हुए। एक्चुअली मैं मेरे को सच में ज़्यादा डर लग रही है शताब में, अगर कुछ भी मैं तो बोलूँगा इसने पेमेंट करी। हमने ना अभी तक मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है बट मेरे को ऐसा लग रहा है घर वाले डांटे ना कि तू इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेकर के आ गया। गाली पड़ेगी या शाबाशी मिलेगी? गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ले जाओ भाई, पार्किंग में भी स्पेस नहीं है। आई डोंट नो क्या होने वाला है घर पे गाइस, सच में नहीं पता क्या होने वाला। फिलहाल चलते हैं घर,
और इसे बाहर निकालते हैं और घर वालों के रिएक्शंस देखते हैं। या तो मेरे घर वाले मुझे बहुत शाबाशी देंगे जिसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, पापा मम्मी को लिटरली नहीं पता कि हम लोगों ने फॉर्चून आपके इमोशंस को वो करते हुए डेफिनेटली उन्हें पसंद भी आई। आई होप गाइस उन्हें पसंद आए। निकालते बाहर और चलते सीधा घर के लिए।